नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज के समय में व्हाट्सएप लोगों के बीच दैनिक जीवन में बेहद जरूरी ऐप बन चुका है, ऐसे में इसे और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसकी निर्माता कंपनी इसमें समय समय पर नए फीचर लाती रहती है। इसी क्रम में व्हाट्सएप ने अब ऐप की गोपनीयता और सुरक्षा के लिहाज से एक और नया फीचर ऐड किया है। दरअसल ऐप की गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित चैट लॉक फीचर को व्हाट्सएप ने फाइनली रोल आउट कर दिया है। इस नए अपडेट के दौरान आपको सुरक्षा के लिहाज से एक और फीचर मिलता है, जिसमें आप अपने उन चैट्स को सुरक्षित रख सकते हैं जिसे आप किसी अन्य व्यक्ति के नज़रों से छुपाना चाहते हैं। यह फीचर आपको ऐप के लेटेस्ट अपडेट के दौरान उपलब्ध होगा। इस फीचर को चैट लॉक फीचर कहा जा रहा है, जिससे कि अब आप अपनी निजी बातचीत की सुरक्षा में एक अतिरिक्त परत जोड़ सकते हैं। इस नए फीचर में लॉक किए गए चैट्स अब केवल आप या आपके डिवाइस पासवर्ड या बायोमेट्रिक तक पहुंच रखने वाला कोई व्यक्ति ही उन्हें एक्सेस कर सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो अपने फोन को परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ साझा करते हैं या जो अपनी बातचीत ताकझांक से सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब अगर आप इस नए फीचर में किसी चैट को लॉक करते हैं तो वह थ्रेड इनबॉक्स से बाहर हो जाता है और उन चैट्स को अपने खुद के फोल्डर में रख देता है, जिससे कि केवल आपके डिवाइस पासवर्ड या फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से उन चैट्स को एक्सेस किया जा सकता है। बता दें कि इस फीचर द्वारा लॉक किए गए चैट्स में शेयर किए गए मीडिया फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को भी स्वचालित रूप से हाइड कर देता है। इस फीचर के जरिए आप सिंगल या ग्रुप के नाम पर टैप करके उस दौरान स्क्रीन पर दिख रहे ऑप्शन में से लॉक ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए चैट को लॉक कर सकते हैं। वहीं अगर आप इन चैट्स को देखना चाहते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने इनबॉक्स को नीचे खींचना होगा, जिसके बाद आपके फोन के स्क्रीन पर एक सिक्योरिटी स्क्रीन प्रदर्शित होगा जिसमें कि आपसे आपके फोन का पासवर्ड या बायोमेट्रिक इंटर करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप अपने बायोमेट्रिक या पासवर्ड को इंटर करके चैट्स को पुनः देख सकते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप ने यह भी घोषणा की है वह कुछ महीनों में चैट लॉक के लिए और अधिक विकल्प जोड़ने जा रहा है, जिसमें साथी उपकरणों के लिए लॉक करना और आपके चैट के लिए एक कस्टम पासवर्ड बनाना शामिल है, जिससे कि आप अपने फोन के लिए उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड से अलग एक अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगे।